सर मेरा नाम आहद है और मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। अगर आपको जिंदगी में कहीं प्रोफेशनली एक्टिंग का मौका मिलेगा तो करेंगे? इंशाल्लाह सर, मैं तो इस वेट में हूँ कि मुझे कभी मौका मिले। जिंदाबाद यार, कॉन्फिडेंस। अच्छा थोड़ी सी झलक दिखाए ना, मैं आए मैदान में बैठा सी कि मैं दसो तुसी ये करना। साडा कोच भी एक्टिंग दे वेट च बैठा सी, इहदा वेट वध गया। आपके लिए सिचुएशन ये है कि आप किसी खातून से तो नहीं, लड़की से शादी करना चाहते हैं और ये आपके अब्बा हजूर हैं। मैं ये मेरे अब्बा हजूर ये मान नहीं रहे यार। लोगों की औलाद गंदी निकलती, तेरा प्यो देख कितना अच्छा आदमी है। तेरी इज्जत ना कन्ना दे कोलों लंघी है। आप मेरे बेटे हैं, मैं आपका बाप हूँ। आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं? ये आपका बेटा है? जी बेटा मेरा। मैं पैसे लेने तुझे दे के जाने सच एक बंदा और चाहिए। तो जानी भाई बैठे हैं ना, जानी भाई आए मैदान में जरा। सिर्फ आपने बाप बेटे की लड़ाई बचानी है बस। गद्दी तो रख दे, गद्दी क्या करनी है? सारे उसे मैं गेड़ा पाना ना, फिर एक गद्दी गेड़ा हो जाएगा। क्या मसला तुम्हारा अब्बा जान? ओ पाजी मैं कौन हां? आपा एक बिल्डिंग च रहने हैं। अच्छा उपर वाला घर तेरा, थले साडा, तेरी उपरों छाती पैंदी। तो मैं इत्थे की कर रहा हूं? मैं अपने पुत्र नाल लड़ रहा। ठीक है, तू थले आके समझाना के देखो चाचा जी अपना बच्चों नाल इस तरह नहीं करीदा, बच्चों नु राइट देईदा, या मेरे मसला की है, या मसला की है, मेरे हक च बोलना या पुत्र दे हक च बोलना, जो तेन मुनासिब लगे ना वो गल करनी। यानी भाई जे तुहाडे को लड़ाई ना मुके ना तो मुंडे दा चुप क्या तेरी जुबान नु ओ समझे। हां बेटा क्या चाहते हो? मैं उत्तों आ गया या ठहर के आना? उनके घर में कोई औरत नहीं है, अकेले बाप बेटा रहते हैं। अच्छा, इसलिए लड़ाई हुई है। और आप हर वक्त कान लगा के इन बाप बेटे की लड़ाई सुनते रहते। और तू फेरी वाला, तू साडे सराणे भी गई ना चिप्से करारी दा आले, सौदा ही साडे घर वेखदा। ओके ओके, अब सुनते रहे। हां बेटा क्या सुन रहा हूं मैं आजकल? तुम समरीन के चक्करों में पड़े हुए। आपको ये बात किसने किया वाले साहब? मुझे किसी ने बता दिया। क्या बताया आपको? अच्छा कारा रास्ता नहीं है यार, तुसी क्या तू फिरदा रहना। मैं यही तो बकवास की थी, मेरा रूट तो समझाओ मैनू। मैं किधर नू जाना, किधर नू आना? मैं गल दस तेनू रूट समझावा, तू मेरा हमसाया या नौ नंबर वैगन है? बेटा तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। पिछो निंगना नंगना कि नहीं यार, खलो के बंदा गल करदा यार। चलो जी चलो बेटा, तुम्हें शादी मेरी मर्जी से करनी पड़ेगी। नहीं मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। वो घर में है आप। बाहर की है मैं, ये बाहर मेरी जॉब चेंज हो जाती है। वो लोग तेरा बाप है, मैं दुमू ही हूँ। मैं घर में कुछ हो रहा, बाहर में कुछ हो रहा, देखते पे रमजानी साहब। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा रमजानी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम जानी है। जानी केड़ा हमसाया तेन मेरे नाम का नहीं पता भाई? ओए बी ए जी एच ए आर टी इंसान। कहना की चाहते हो? तारे हॉल को समझ आ गई, तुम्हें नहीं आई, तुम्हें बगैरत का है हूं। चंगा रहा जो तो इदा की गल हो, चुप रही था ना, हूं गल खुल गई। इधर आए ना तेरा। ओए अपने जवान पुत्र के अगे बकवास कर रहे थे। प्यो प्यो प्यो। अच्छा तुम वालद हो? मैं वालद हूं। ओके Okay. मैं बालद है, मेरा पुत्र खालद है। अच्छा ठीक है। किथे हो? कहंदा तू उथे ब्याह करदा क्यों नहीं होदा? मैं नहीं करना उना दी हमशीरा दी कुड़ी नाल ब्याह। अपना मस्ता एहे मैं पुछया सी, मेरा रोल की आ? मैं बकवास कीती सी कि मेरा पुत्र है, ये किसे कुड़ी नाल प्यार करदा, किधर शादी करना चाहंदा। मैं कहा सी कि मैं मना करना, इन्हें मेरी तुसी इहदा प्यो, तुसी प्यो। मैं प्यो। ओके कट कैमरा एक्शन, चल चल। ओए दो वरी मां मां मा कहो तो प्यो बनता है। लाइना लिखी जा रहे हैं यार, मैं बाप का दर्जा समझा रहा। केड़ी कुड़ी जिन्हें तू प्यार करता? कोई समरीन नाम की लड़की है। समरीन? हाँ। ओ माय गॉड, समरीन ना प्यार करता तू? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तो सिर्फ जहां मैं कहूंगा। मैं आपकी बहन की बेटी से कभी शादी नहीं कर सकता। कन्न लै के मतलब फुफो नहीं कह रहा, मेरी भैन कह रहा। ओए फुफो क्यों नहीं कह रहा? प्यो दी फुफो भैन हुंदी आ। प्यो दी फुफो भैन हुंदी आ, सॉरी फुफो जड़ी है ना, सॉरी प्यो दी भैन हुंदी है। प्यो दी भैन हुंदी फुफो। हां समझ आई है? क्या मैं फुफो के घर शादी नहीं करनी? मैंने फुफो के घर शादी हरगिज नहीं करनी। चलो भाई लानत भेजो इहो जे मुंडे ते। कोई जो कहता नहीं करे, उन्हें नहीं करनी।
ਪਰ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਰੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਮਾਦ ਬਣੇਗੇ। ਓਹੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬ ਆਪਕੋ ਨਾ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਗਾਨਾ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈਂ। ਹਾਂ तो जानी ने आगे है ऐसे कह जैसे वो गूंगी है उसने इन्होंने कॉमेडी नहीं आंदी इन्होंने। हां बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने देखना आगे के मजीद भी और भी नहीं आउंगे। ਕੋਈ ਵੋ।